नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 31 दिसंबर से कक्षा 1 से 8 तक का स्कूल हो जाएंगे बंद। और क्यों बंद हो जाएंगे ज़्यादातर लोग को पता है, लेकिन बंद में भी कुछ होना है इससे संबंधित ये वीडियो है दोस्तों। और शिक्षकों के लिए जो छुट्टियाँ हैं वो छुट्टियाँ होने वाली है, उसमें भी कुछ काम करना पड़ेगा, इसमें ये बात खास है। तो देखते हैं क्या मैटर है। स्कूल तो क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर से कक्षा 1 से 8 तक का स्कूल बंद हो जाएंगे। जानिए क्या वजह है। वजह कुछ नहीं है भैया, जो है बेसिक शिक्षा विभाग जो है टाइम मोशन का जो रूल आया है उसके हिसाब से शीतकालीन अवकाश होगा और 31 दिसंबर से 14 दिसंबर तक यह अवकाश रहेगा, ठीक है। हालांकि इन 15 दिनों की छुट्टियों के बीच शिक्षकों को 8 दिनों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसको लेकर शिक्षक संघों ने विरोध शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक के जिला अध्यक्ष कौशलेन, जहाँ की भी न्यूज़ हो वहाँ की बात हो रही है। तो अगर 14 दिन का छुट्टी जो है उसमें से अगर 8 दिन का काम करवा लोगे तो बचा कितना, तो इसी चीज़ का विरोध हो रहा है। और छुट्टियों के अगर छुट्टियाँ कह रहे हो तो फिर काम मत कराओ कोई भी, वरना छुट्टियाँ कैंसिल कर दो, सिंपल सा रूल है भाई। और वैसे भी अगर मैं पर्सनली कहूँ तो सर्दियों की छुट्टियाँ तो वैसे होती रही हैं, वैसे ही होनी चाहिए कि सर्दी हो तो छुट्टी वरना नहीं हो, क्योंकि सर्दी का ही तो इलाज होता है आपके पास कि चलो स्वेटर पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया। लेकिन गर्मी में जब जून के महीने में जब आपको काम करना पड़ता है, फिर मई जून में जो दिक्कत होगी जब 15 जून से खोल दिया जाएगा तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इधर दिसंबर में तो चलिए कुछ भी कर लिया, ताप लिया, क्या कर लिया, कपड़े पहन लिए तो काम चल गया, गर्मियों का कोई इलाज नहीं होता। चलिए ये मेरी बात थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि मैं बात कर सकूं और ना ही मैं इस मामले में बात करना चाहता हूं। तो ये बात सच है, किस जिले की मालूम नहीं, रिपोर्ट 31 दिसंबर से जब छुट्टियां होंगी इस शीतकालीन अवकाश और उसके साथ ही शुरू हो जाएंगे प्रशिक्षण, 8 दिन प्रशिक्षण चढ़ने हैं। तो कुल मिला के जो ये छुट्टी होंगी वो एक टाइप का वैसे ही है दिखावा, दिखावा नहीं कहेंगे, मतलब छुट्टियों में भी काम लिया जाएगा। तो इसीलिए शिक्षक संघ कह रहा भैया या तो आप छुट्टी कैंसिल कर दो या तो हम प्रशिक्षण ना करो, एटलीस्ट दोनों में से एक काम हो, पता लगे छुट्टी भी बोल रहे हो और कह रहे हो। सब लोग को तो यही लगता है कि टीचरों की छुट्टी हो गई और फिर पता लगेगा और टीचरों को ही पता है कि छुट्टियों में भी काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो था, फिर मिलेंगे एक और वीडियो साथ। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में, नमस्कार।